के बारे में सुनेंगे और हमारे बीच हमारे जो स्टार गेस्ट आए हुए हैं वो है डिसग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु। प्रशांत मुकुंद प्रभु लास्ट 15 ईयर से इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं और प्रभु जी वैसे एमबीए हैं बाय प्रोफेशन और प्रभु जी ने लंदन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए किया है और प्रभु जी बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर चुके हैं जैसे कि WNS, मिलवर्ड ब्राउन एंड बहुत सारी कंपनीज में। और प्रभु जी ने सब कुछ त्याग कर अब होल टाइम इस्कॉन में भगवान की सेवा कर रहे हैं और बहुत सारे देशों में वो प्रीचिंग कर रहे हैं जैसे कि ओमान, मस्कट, कराची, दुबई, तो फ्लोरिडा, फिलडेल्फिया, इस तरह के बहुत सारे देशों में प्रभु जी प्रीचिंग कर रहे हैं और प्रभु जी के साथ बहुत सारे डिवोटीज जुड़े हुए हैं जिनको प्रभु जी की गाइडेंस मिलती रहती है। तो आज हम उनके मुख से उनको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी यहाँ आने के लिए। और प्रभु जी के मुख से आज हम जीव गोस्वामी की कथा सुनेंगे क्योंकि हमने सीखा कि जब भी हम वैष्णव की कथा सुनते हैं तो ना सिर्फ हम उनकी ग्लोरिफिकेशन कर पाते हैं साथ में हम उनके जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं ले पाते हैं। तो हमें अपना जीवन कैसे करना चाहिए वो ऑब्वियसली प्रशांत मुकुंद जैसे प्रभु जी जैसे हम जो वैष्णव से सीख सकते हैं और ऑब्वियसली जीव गोस्वामी जैसे महान वैष्णवाचार्यों की कथा सुनकर हम कुछ कुछ अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो अब मैं स्टेज प्रशांत मुकुंद प्रभु को दे रही हूँ। थैंक यू प्रभु जी फॉर कमिंग एंड एवरीबडी ज्वाइन इन। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा प्रभु जी के मुख से कथा और वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री नारायणी माता जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके गीता ज्ञान चैनल के माध्यम से आज वैष्णव के जो आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें आपने बड़े सुंदर सुंदर वैष्णवों को बुलाया और वैष्णवों के बारे में आपने श्रवण कराया भक्तों को, तो मैं वैष्णव तो नहीं बन पाया हूँ लेकिन वैष्णव बनने के प्रयास में हूँ। और आप भक्तों की कृपा से हो सकता है कि आज जीव गोस्वामी पाद के बारे में कुछ वर्णन करके मैं भी सीख सकूं कि किस प्रकार से हमें गोस्वामियों के जीवन का आचरण करना चाहिए। सो हम लोग प्रारंभ करेंगे भाई मंगलाचरण एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट श्रील जीव गोस्वामी। ओम अज्ञान तिम्रंध्यस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपः कदा मह्यं ददाति स्वब्दकान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णा पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी शुराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा।
तो वैष्णव के की श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं गोस्वामियों के जीवन चरित्र के बारे में, और अगले 1 घंटे हम चर्चा करेंगे आज विशेष गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जिन्होंने शास्त्र प्रदान किए। उम्र की दृष्टि से तो सनातन गोस्वामी सबसे अग्रज अग्रगण्य आचार्य हैं, परंतु शास्त्र की दृष्टि से जिन्होंने सबसे अधिक शास्त्र अवलोकन किए वो हैं शिलाजीव गोस्वामी। तो एक श्लोक में गौड़िया वैष्णव संस्कृति के अंदर इनको विद्वान जीव गोस्वामी कहा। जीव गोस्वामी का एक नाम है विद्वान जीव गोस्वामी, बड़े विद्वान है, विद्वत्व प्राप्त है। कुछ लोग होते हैं जिनका आचरण बड़ा अच्छा होता है, जीवन शैली, और व्यक्ति उनके आचरण को पालन करना चाहता है, परंतु जीव गोस्वामी आचरण को ही नहीं सांस्कृतिक शास्त्रिक विद्वत्ता को प्राप्त व्यक्ति हैं। अब बड़ा ही एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, जब किसी के पास विद्वत्ता होती है तो साथ में अहंकार होता है, और किसी के पास विनम्रता होती है तो विद्वत्ता की कमी होती है, परंतु हमारे गौड़ीय वैष्णव में जीव गोस्वामी पाद एक ऐसे आचार्य है जो विद्वत्ता प्राप्त है साथ में विनम्रता प्राप्त भी है। तो आज हम उनके विद्वत्ता और विनम्रता ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन को समावेश करेंगे कि एक डिवोटी के लाइफ में विद्वत्ता कितनी इंपॉर्टेंट है और विनम्रता कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक श्लोक आता है शास्त्रों में जिसमें कहते हैं, अहस्तानि सहस्त्राणाम उपादानी चतुष्पदः जीवो जीवस्य जीवनम्। एक जीव ही जीव का जीवन है, जीवो जीवस्य जीवनम्, यानी कि अहस्तानि जिनके हाथ नहीं होते हैं, सहस्तानम् उनको हाथ वालों के द्वारा भोजन कर लिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कोई कीड़े मकोड़े हैं वो एक ऐसे पशु के द्वारा खाए जाते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम देखें, इकोलॉजिकल जो प्रकृति के नियम है, तो जो रेंगने वाले कीड़े हैं उनको हाथ वाले उठा करके खा जाएंगे, जैसे चील सर्प को उठा करके खा जाएंगे। तो अहस्तानी जिनके हाथ नहीं है, सहस्ता नाम, वो हाथ वालों के द्वारा खा लिए जाएंगे। अपादानी जिनके पैर नहीं है, वो चतुष्पदाम, वो चार पैरों वालों के द्वारा खा लिए जाएंगे। वही शेर जो है वो ऐसे जानवरों को खा लेगा जिनके पैर नहीं, भाग नहीं सकते हैं ज्यादा तेज। और जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का जीवन है। तो ये शास्त्रिक श्लोक है, इसमें मनुष्य को जो है आहार करना चाहिए अन्न का आहार। तो आचार्य कहते हैं कि जो जीव गोस्वामी है ये जीवो जीवस्य जीवनम के सही उदाहरण है। कैसे? एक जीव जो इस संसार में, भौतिक संसार में फंसा है, अगर उसे बाहर निकलना है तो उसका जीवन केवल जीव गोस्वामी है, जीवो जीवस्य जीवन। अगर उसने जीव गोस्वामी के जीवन का अनुगमन नहीं किया तो उसका जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है, उसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जीव गोस्वामी के एक अन्य नाम है जिसे कह सकते हैं जीव कहा, यानी कि जीने हेतु जैसे एक सांस की जरूरत है, प्राण की जरूरत है, हवा वायु नीर की जरूरत है, जल की जरूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही जीवन शास्त्र विधि से चलाने के लिए जीव गोस्वामी के संदर्भों की जरूरत है, उनके ज्ञान की जरूरत है। अगर व्यक्ति ने जीव गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र को न पढ़ा, न समझा, न देखा, तो उसका जीवन बिना ऐसा जगह वेंटिलेटर पर जी तो रहा है लेकिन फॉल्स ब्रीथिंग सिस्टम पर है, वेंटिलेटर पर जी रहा है। अगर उसको सच में प्राण के साथ जीना है, उत्साह के साथ जीना है, भक्ति के साथ जीना है, तो जीव गोस्वामी जीव कहा कह के उनको कहा। तो जीवो जीवस्य जीवनम और जीव कहा कह के इनको गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर में बताया गया। जीव गोस्वामी ने हमें अद्भुत ग्रंथ दिए, जैसे गोपाल चंपू, बहुत ही ज्यादा इसोटेरिक ग्रंथ भी नहीं है कि अरे इतनी विशेष, जैसे गीत गोविंद टाइप का भी नहीं है, बड़ा ही साधारण सभी भक्तों के समझ में आ जाने वाला, जिसमें भगवान कृष्ण की गुह्यतम लीलाएं, गोवर्धन लीला आदि के गुह्यतम रहस्यों को वर्णन किया, द्वादश रसों को वर्णन किया, ऐसे गोपाल चंपू नामक ग्रंथ जीव गोस्वामी पाद के द्वारा दिए। और उन्होंने दिए हरि नाम व्याकरण, संस्कृत सबसे ज्यादा अगर दिया किसी ने, संस्कृत व्याकरण कैसे बोलना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, जीव गोस्वामी के द्वारा दिया गया। और भी अन्य ग्रंथ है जैसे हरि भक्ति विलास, देखा जाए तो मेजली सनातन गोस्वामी पाद का है, लेकिन हरि भक्ति विलास, उपदेशामृत, या फिर हम बात करें आपके नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सारे के सारे शास्त्र
लिखे सनातन रूप गोस्वामी के द्वारा है, लेकिन इनका व्याकरण कार्य, इनकी जैसे आज के समय में कहें पब्लिकेशन, प्रिंटिंग करना, प्रूफ रीडिंग करना, एडिटिंग करना, ये सारा काम जीव गोस्वामी पाद ने किया। सो अगर देखें तो जीव गोस्वामी ना होते तो आज भक्ति रसामृत सिंध रूप गोस्वामी के द्वारा प्राप्त या उद्देश्यमृत ग्रंथ या फिर हरि भक्ति विलास जिसमें 20 विलास है, ये हमको नहीं मिलता। तो ये जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप से असिस्टेंस कर, सबसे बड़ा ग्रंथ वो दिए षड संदर्भ, यानी कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों की टीकाएं जो कमेंट्रीज दी उन्होंने षड संदर्भ के रूप में, वो सबसे उनका जिसे मेमोरेबल राइटिंग्स उनका है दिया गया उनके द्वारा। सो जीव गोस्वामी पाद का अगर नाम आए और ग्रंथों की चर्चा ना हो तो फिर सही बात नहीं है। हम उनके जीवन चरित्र की चर्चा तो करेंगे लेकिन हमको बेसिकली समझना चाहिए उन्होंने दिया क्या, क्योंकि वैष्णव जब जीता है तो उसकी ग्लोरियज नहीं पता होती, जब वैष्णव चला जाता है तब उसकी ग्लोरियज लोग गाते हैं, अरे उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। जीते जी तो वैष्णव को लोग नहीं समझ पाते, वैष्णव रे क्रिया मुद्रा विघे ना बुझाए, वैष्णवों की क्रिया मुद्रा समझ नहीं आती। और जीव गोस्वामी पाद ने भी अपने जीवन में अपने अग्रज रूप सनातन से बड़ा दंड पाया, तो उस समय की लीलाएं देखेंगे तो लगेगा अरे इनमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनके जो रिवोल्यूशनरी वर्क होते हैं ये लोगों के जीवन परिवर्तन करते हैं। यस, ही हैज डन समथिंग वेरी ब्रिलियंट, बहुत ही अद्भुत कार्य उन्होंने संसार को दिए। अगर हम चर्चा करें कि कितने श्लोक लिखे होंगे, जैसे वेद व्यास जी ने अपने जीवन में 1,00,000 श्लोकों की महाभारत और 4,00,000 श्लोकों के पुराण, यानी 5,00,000 श्लोक दिए वेद व्यास जी, तो यहां पर जीव गोस्वामी ने क्या किया, आप देखिए आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 25,00,000 पद लिखे हैं जीव गोस्वामी ने, मतलब वेद व्यास जी से भी अधिक वेद व्यास जी से भी अधिक ज्ञान प्रदान किए हैं जीव गोस्वामी अगर ना हो तो गौड़ी वैष्णव लिटरेचर। 25,00,000 पद लिखे हैं और उन्होंने लगभग 25 ग्रंथ, 25 ऐसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर वर्क प्रदान किए। तो ये इतना अद्भुत था जीव गोस्वामी का कि पहले तो वो तमाल पत्रों पर, ताल पत्रों पर लिखा करते थे, लेकिन बाद में अकबर राजा जो थे इतने प्रसन्न हो गए थे जीव गोस्वामी से कि उन्होंने उनको कागज भी भिजवाया, क्योंकि पेपर में आज हमारे ग्रंथ मिलते हैं, लोग बोलते किसने लिखा, कहाँ से आया, अकबर के द्वारा पेपर मिलता था और जीव गोस्वामी पाद अपनी राइटिंग करते थे उस जमाने में, और उनको हाथ से सिलाई करके ग्रंथों को संभाल संभाल कर उन्होंने ग्रंथ भंडार बनाया था वृंदावन में। आज भी आप जाएं तो राधा दामोदर मंदिर में जीव गोस्वामी के कुछ ग्रंथ आपको मिलेंगे जिसे ग्रंथ भंडार, ग्रंथालय, लाइब्रेरी कहते हैं। और खाली इतना ही नहीं किया, उन्होंने प्रीचिंग भी करी बंगाल में, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीवास आचार्य, इनको भेज भेज करके प्रीचिंग भी करवाया, उन्होंने ग्रंथों को दुनिया को दिया। यानी आज तो एक ग्रंथ फोटोकॉपी हो जाता है या एक पब्लिकेशन 200-500 प्रिंट निकालती है, एक एक की अलग अलग कॉपी बार बार राइटिंग करना और 25,00,000 पदों को रिपीट करना, सोचिए क्या काम किया है जीव गोस्वामी। तो अद्भुत कार्य है। तो उनके कुछ जीवन चरित्र को हम समझेंगे कि ये कैसे इतने अद्भुत हो गए। तो जीव गोस्वामी पाद का जन्म जो है वो सन 1513 में बताया जाता है, यानी कि चैतन्य महाप्रभु जब 1486 में 1486 में जन्म हुआ, तो जीव गोस्वामी पाद का जन्म उसके बाद, यानी 1513 में इनका जन्म हुआ। और बहुत ही अद्भुत इन्होंने कार्य किए हैं भक्ति योग के आगे बढ़ाने के लिए, भक्ति ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। इनकी जो जन्म अगर देखें तो ये दक्षिण भारतीय हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग साउथ इंडिया में बेसिकली कर्नाटका से आते हैं, ये लोग कर्नाटकी ब्राह्मण है, दक्षिण भारतीय, और इनको भारद्वाज गोत्री कहा जाता है, भारद्वाज गोत्र से ये आते हैं, और बड़े ही जैसे कहते हैं प्रोफिएंट राइटर्स, स्पीकर्स और फिलोसोफर्स उस कैटेगरी में है। बताते हैं कि एक रूपेश्वर दास होते थे, रूपेश्वर दास जो थे दक्षिण भारत में, उनके पुत्र थे पद्मनाभ, और फिर आगे उनके 5 पुत्र हुए, पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी, मुकुंद, और इसमें से जो मुकुंद थे उनके पुत्र हुए कुमार, और जो कुमार थे उनके पुत्र हुए सनातन, रूप और वल्लभ। तो यानी सनातन गोस्वामी पाद की ये लीनियज का वर्णन आया है, यानी पहले हुए रूपेश्वर, उससे आए पद्मनाभ, पद्मनाभ के 5 पुत्र पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी, मुकुंद, मुकुंद के पुत्र हुए कुमार,
और फिर आगे कुमार के पुत्र हुए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ, यानी कि अमर, संतोष और वल्लभ, ये नाम थे इनके। बाद में अमर, संतोष, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बने, और वल्लभ जो थे वो उनका भी नाम भगवान चैतन्य ने बदलकर अनुपम उनको नाम दिया। सो जो अनुपम है, वल्लभ है, इनके पुत्र हैं जीव गोस्वामी, समझ रहे हैं आप। तो इस प्रकार से ये नेफ्यू हो गए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के भतीजे, भतीजे लगते हैं ना, भतीजे हो गए उनके रूप गोस्वामी, नेफ्यू। तो इस प्रकार से ये बाद में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब राजा हुसैन शाह की नौकरी कर रहे थे, वल्लभ आदि यहाँ पर थे, तो ये लोग मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हुए और बाद में गौर देश में रामकेली में रहा करते थे, जिनसे चेतन महाप्रभु विशेष कर मिलने के लिए गए रामकेली में अपनी यात्रा के दौरान। और संतोष और अमर, जिनका नाम दबीर खास और साकार मलिक रख दिया गया था हुसैन साहब के द्वारा, तो उन दोनों को चेतन महाप्रभु ने रामकेली में मिलते ही दीक्षा प्रदान किया। वो बड़े ही अपने आप को पतित मान रहे थे कि हमारा जन्म तो भारद्वाज परिवार में, वो कर्नाटक में, बाद में पिताजी को काम के सिलसिले में आना पड़ा, फिर हम बंगाल आ गए, नौकरी करी तो मुसलमान राजा की, तो हमारी जाति धर्म भ्रष्ट हो गया है, तो हम लोग अब इस लायक नहीं है कि चेतन महाप्रभु का हम दर्शन करें। लेकिन महाप्रभु तो पतितों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो भगवान कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए बड़े वदन्नाय अवतार आए। और देखते ही जैसे ही सनातन और रूप को देखा, यानी दबीर खास और सरकार मलिक को देखा, उन दोनों ने अपने मुख में तिनका डाला था और चेतन महाप्रभु को प्रणाम किया। और तिनका डालने का मतलब था कि हम आपके आगे इतने मूर्ख हैं कि हम कुछ बोल नहीं सकते, और मिलते ही पूछ रहे हैं के आमी, हम कौन हैं, केमो तापत्राय, हमारे 3 प्रकार के ताप से हम कैसे दूर होंगे, जबकि इतने एग्जॉल्टेड है, इतने वरिष्ठ हैं कि भागवत कथा किया करते थे, रोज रोज भागवत पढ़ते थे, जाति से दक्षिण भारतीय ब्राह्मण, भारद्वाजी गोत्र, इतना ज्ञानी, लेकिन क्या बोल रहे हैं, मैं कौन हूं। चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं आप हमारे हमारा स्पर्श मत करिएगा, हम बहुत पतित हैं। महाप्रभु ने कहा तुम पतित हो और मैं पतितों का उद्धार करने वाला हूं, आओ मेरे गले लग जाओ। तुरंत दोनों को गले लगाया और बोले साकार मलिक यानी संतोष, आज से तुम्हारा नाम होगा सनातन गोस्वामी। और दबीर खास जो थे उनको, यानी कि अमर जो थे उनको बोले अमर, दबीर खास, तुम्हारा आज से नाम होगा रूप गोस्वामी। और इस प्रकार से दोनों को रूप सनातन नाम दिया, और वल्लभ जो थे उनको नाम दिया अनुपम गोस्वामी। इस प्रकार से ये जो अनुपम के पुत्र जीव गोस्वामी पर बचपन से ही इनके अंदर बहुत ही ज्यादा भक्ति भाव था, यानी कि भगवान कृष्ण की, कृष्ण बलराम के विग्रह रखा करते थे। ऐसे हमारे भी आजकल गुरुकुल के बच्चों को माता जी देती है ना जगन्नाथ के टॉस, सॉफ्ट टॉयज देती खेलने के लिए, और कृष्ण बलराम बिटीज देते हैं, वैसे ही उस समय कृष्ण बलराम के विग्रह से जीव गोस्वामी को बड़ा प्रेम था। हमेशा उनकी पंखुड़ी भई आंखें जो कमल नयन भगवान के निहारा करते थे, भगवान के नमः पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राया, नमस्ते पंकज आंग्रे, ये श्लोक बड़ा गाया करते थे। भगवान की हर चीज तो कमल है, नाभि कमल स्वरूप है, हस्त कमल है, नयन कमल है, अधर कमल है, भगवान का सब कुछ कमल कमल कमल, बड़े अद्भुत उनको ये लगता था। और इनको एक मंजरी स्वरूप बताया गया है, शास्त्र कहते हैं विलास मंजरी, जीव गोस्वामी विलास मंजरी है, श्रीमती राधा रानी की प्रिय गोपी, गोपी मंजरियों में से, सखियों में से श्रेष्ठ मंजरिया जो होती है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है जो भगवान की रात्रि लीलाओं में प्रवेश करती है। यानी जैसे कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, ये 3 प्रकार के कुंज है, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज। कुंज में गोपी सब आ सकते हैं, ग्वाल बाल भी आते हैं, निकुंज के अंदर केवल गोपियां और सखियां और मंजरियां आती हैं, लेकिन निवृत्त निकुंज एक ऐसा है वहां पर गोपियों को भी निकाल लिया, यानी कि जो हमारी इंदु लेखा और हमारी जितनी भी सखियां हैं ललिता विशाखा, इनका प्रवेश भी नहीं है निवृत्त निकुंज में, वहां पर केवल राधा कृष्ण रहते हैं, रात्रि लीलाएं होती हैं, और उन निकुंजों के अंदर प्रवेश करती हैं मंजरियां जिनकी आयु 9 वर्ष से कम रहती है, जिनको अपना भी भान नहीं है कि हम कौन है, केवल उनको राधा कृष्ण मिलन जो यूनियन जो है स्वकीय भाव, उनको वो बस अच्छा लगता है राधा कृष्ण की सेवा कर।
वो है मंजरी, और वो अष्ट मंजरिया हमारे अष्ट गोस्वामी बनकर प्रकट हुए, जिनमें विलास मंजरी के रूप में आए जीव। तो 1514 में जब इनका जन्म हुआ था चेतन अपने जीव गोस्वामी का, तो अनुपम उस समय बंगाल से पुरी की यात्रा कर रहे थे और जीव गोस्वामी 1 वर्ष के ही थे और उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि पिता की मृत्यु जब 1 साल के हो और हो जाए इतनी पीड़ा, यानी पिता को सही रूप से देखा भी नहीं, और इसके कारण जब उनको पता चला कि मेरे पिता नहीं है, उनको एक वैराग्य आ गया कि मेरी देखरेख करने वाले तो कृष्ण ही है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, सच्चाई तो ये है जिसके सब कोई होते हैं उसका भी भगवान ही होता है, क्योंकि भगवान के अलावा और कोई रक्षा करने वाला राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के, अगर कृष्ण रक्षा करने वाले हो कोई मार नहीं सकता, और कृष्ण मारने पे आए तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। कृष्ण बलराम की सेवा करते करते जब वो 20 वर्ष के हुए तो उनकी माता का भी देहांत हो गया, और इस प्रकार से उन्होंने मन में, शास्त्र बताते हैं कि स्वप्न में उनको चेतन महाप्रभु ने आदेश दिया, उनके मन में बड़ा भाव था कि मैं भी चेतन महाप्रभु की सेवा करूं। तो भक्ति रत्नाकर ग्रंथ जो कि श्रील नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित है, भक्ति रत्नाकर में ये सारी पास्ट टाइम्स बताए गए हैं कि कौन कब कैसे आगे बढ़ा। तो उसके अंदर बताया गया कि रूप सनातन से मिलने का उनका भाव था, तो चेतन महाप्रभु ने उनको स्वप्न में आकर के आदेश दिया कि तुम नवदीप जाओ, नवदीप में नित्यानंद प्रभु से मिलो और बाद में वृंदावन जाके रूप सनातन के साथ मिलो। तो वो नवदीप आए और नवदीप में नित्यानंद प्रभु से मिले, यानी बलराम कृष्ण बलराम के ड्यूटीज में से कृष्ण तो नहीं मिले चैतन्य रूप में, लेकिन नित्यानंद मिले उनको बलराम स्वरूप, और नित्यानंद प्रभु ने उनको एक एक द्वीप की, 9 आइलैंड है नवदीप के, 9 आइलैंड की लीलाएं सुनाई, ले जाते थे परिक्रमा कराते थे, जीव यहाँ ये हुआ था, जीव यहाँ ये हुआ था, जीव यहाँ ये, सारी लीलाएं स्वयं नित्यानंद प्रभु ने उनको वर्णन किया। उनके हृदय में जब चैतन्य प्रेम कि अविरल प्रेम धारा उत्पन्न होने लगी और घर में बहुत ज्यादा प्रस्फुटित हुआ कि अब बस मैं कैसे भी करके वृंदावन पहुंच जाऊं, तब उन्होंने वृंदावन की यात्रा करी। और जीव गोस्वामी जो थे उन्होंने वृंदावन जाने से पहले बनारस में जाकर के अपनी शिक्षाएं प्राप्त करी। बनारस में आज भी एक अलग ही डिपार्टमेंट है जीव डिपार्टमेंट जीव गोस्वामी का। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिवोटीज हैं वो जानते हैं, और एक अलग इंस्टीट्यूट भी आजकल बनाया गया जीवा इंस्टीट्यूट में जीव गोस्वामी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो बनारस में स्पेशली एक डिपार्टमेंट है जहाँ जीव गोस्वामी के लिटरेचर्स को पढ़ाया जाता है, शास्त्र समझाया जाता है। दो भक्ति प्लेटफॉर्म पर नहीं है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर है, थीसिस लिखना अंडरस्टैंड करना, बट इतना ज्यादा है कि लोग उस पर पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनके ऊपर शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो जीव गोस्वामी उस समय जब पढ़ रहे थे तो उनके जो गुरु थे उनका नाम था मधुसूदन वचस्पति उनके शिक्षा गुरु थे। और ये मधुसूदन वचस्पति कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रोमिनेंट डिसाइपल थे, यानी कि सार्वभौम भट्टाचार्य जिन्होंने चेतन महाप्रभु के समय मायावाद का खंडन किया और हजारों को महाप्रभु ने अपना षडभुज रूप दिखा के, जो जगन्नाथपुरी के हेड पुजारी थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको एक ही बार में भक्त बनाया अपनी छठभुज रूप दिखा के, 6 हाथ वाला रूप दिखाया कि मैं ही राम था, मैं ही कृष्ण था और मैं ही आज चैतन्य हूं, मैं ही था धनुर्धारी, मैं ही था वंशीधारी और मैं ही हूं दंडधारी। तो भगवान ने अपने 3 रूप दिखाए, धनुर्धारी, वंशीधारी, दंडधारी। जो षडभुज रूप दिखाया भगवान ने, सार्वभौम भट्टाचार्य पूरा एकदम परेशान हो गया, ये मैंने क्या देख लिया, और इतना अद्भुत हो गया था कि महाप्रभु अगले दिन जब जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके उसके घर पहुंचे, रात्रि में तो उसने षडभुज रूप दर्शन किया था, लेट नाइट 2 बज गए थे, और सुबह सुबह महाप्रभु मंगल आरती में, भगवान तो जल्दी उठ जाते, हमारी तरह नहीं है कि लेट अगर हो जाए तो सुबह नहीं मंगल आरती में सोती, भगवान उठे जगन्नाथपुरी गए प्रसाद लिया, जब पहुंचे उसके घर में नॉक किया, सार्वभौम भट्टाचार्य भी हेड पुजारी का ऐसा बुरा हाल था, सही से धोती कुर्ता भी नहीं पहना था, जैसे गेट खोला देखा भगवान फिर आ गए, भगवान के हाथ में महाप्रसाद है, भगवान देखने गए थे क्या इसके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है मेरी शिक्षा से, मेरे रूप से। तो देखा कि इतना बड़ा मायावादी प्रचारक जो कहता था भगवान निराकार है, वो भगवान का जगन्नाथ प्रसाद बिना ब्रश के खाने लगा, इतना ऑनर करने लगा प्रसाद को कि नहाना धोना बात की बात है, महाप्रसाद मिल जाए तुरंत पा लेना चाहिए।
महाप्रभु ने उसको गले लगाया, कहा तुम अब परफेक्ट डिसाइपल बन गए हो, परफेक्ट शिष्य बन गए हो वैष्णव फिलोसफी के, और उसी के शिष्य थे मधुसूदन विद्यापति वचस्पति, और मधुसूदन वचस्पति से शिक्षा प्राप्त करी भक्ति की, शास्त्र की जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है, उन्होंने विश्व वैष्णव राज सभा का एक 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 आयाम, जैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाने से पहले लीग ऑफ डिवोटीज बनाया था, जीव गोस्वामी ने एक विश्व वैष्णव राज सभा बनाई थी जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन, ताकि विश्व के लोग आकर के, ऐसा नहीं प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई, जीव गोस्वामी ने इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई थी, विश्व मतलब वर्ल्ड एसोसिएशन, वैष्णव एसोसिएशन, ताकि विश्व के लोग जब ट्रेवल करें बाहर देशों से आए तो जीव गोस्वामी पाद के लिटरेचर्स पढ़ें और समझें। और इस प्रकार जीव गोस्वामी जो थे डेडिकेटेडली बनारस से अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद नित्यानंद प्रभु से मिले, और नित्यानंद प्रभु ने उनको गाइड किया, कृष्णदास, प्रबोधानंद, काशेश्वर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी ने जीव गोस्वामी को बड़ा प्रेम प्रदान किया, क्योंकि उनके पिता भी नहीं थे और दूसरा वो बड़े ज्ञानी भी थे, तो अपने गुणों के कारण उनको अधिक प्रेम मिला। जब वृंदावन पहुंचे तो जीव गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी से कहा, मुझे आप दीक्षा प्रदान करिए, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो जीव गोस्वामी को सनातन गोस्वामी कहते, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है दीक्षा वगैरह देने का, मैं बहुत ज्यादा लिटरेचर वर्क में लगा हूं, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ रूप गोस्वामी के पास, वो तुमको दीक्षा दे। तो शास्त्रीय शिक्षा तो उन्होंने मधुसूदन वचस्पति से ली, लेकिन स्पिरिचुअल दीक्षा रूप गोस्वामी से प्राप्त। रूप गोस्वामी उस समय राधा दामोदर के डीटीज को कार्व कर रहे थे, बना रहे थे विग्रह, कि मैं गोविंद देव जी के साथ साथ दामोदर जी की भी सेवा किया करूं, और यशोदा दामोदर लीला का मंचन कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो दामोदर विग्रह बना रहे। और जब जीव गोस्वामी वहां पहुंचे तो उनको लगा कि कृष्ण कह रहे हैं कि अब मेरी सेवा तुम इनको दे दो, जीव गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर की सेवा जीव गोस्वामी को दी, और इसीलिए आज भी हम लोग गाते हैं, जीव गोस्वामी प्राण धन है, श्रीला जीव गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद को प्राप्त हुए श्री श्री राधा दामोदर। अब क्या सेवा करते थे, जीव गोस्वामी को सर्विस मिली, एक वैष्णव का जीवन सेवा के बिना अधूरा है, तो सेवा मिली, मसाज किया करो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की मसाज करो और साथ में राधा दामोदर की मसाज करो। और वृंदावन में राधा दामोदर को मसाज की जाती है रात्रि में, सभी विग्रहों को होती है, गोस्वामी विग्रहों को, जिसे औलाय दर्शन कहते हैं, कभी आप लोगों ने किया, वैसे किया होगा, आप वृंदावन में रहते हैं तो औलाय दर्शन जो है रात को 7:45, 8:45 अलग अलग टाइमिंग्स होता है, शयन आरती के बाद भगवान को स्पेशल ऑयल लगाते हैं, मसाज करते हैं एंड देन भगवान को शयन कराते हैं। तो वो सेवा जीव गोस्वामी ने प्रारंभ करी थी औलाय दर्शन की, मसाज किया करते थे डिटीज की और बाद में अपने रूप सनातन की मसाज, और क्या करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो बिजी थे पढ़ाई लिखाई में, तो भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे और उसकी प्रूफ रीडिंग करते थे और भिक्षा मांगने जाते थे कि रूप सनातन क्या खाएंगे, तो भिक्षा मांग के लाते थे, रूप सनातन को देते थे और बाद में खुद उसका पान करते थे बचा हुआ जो उच्चिष्ट होता था। पत्ते इकट्ठे करते थे, पेड़ों के पत्ते, ताल पत्र, आज आप जाएं अगर टेर कदम तो वहां पर रूप गोस्वामी पाद के लिखे हुए कुछ पुराने पत्र मिलते हैं, उनकी राइटिंग्स, वहां के जो पुजारी हैं वो दिखाते हैं, रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रसामृत सिंधु की ओरिजिनल ओरिजिनल कॉपीज हैं वहां। तो वो ऐसे जो पत्तों पर लिखा गया ज्ञान था, उन पत्तों की पेड़ से निकलने वाले हैं, उनको इकट्ठा कौन करेगा। तो जीव गोस्वामी वन में विचरण करते थे, चैंटिंग करते रहते थे और जगह जगह से पाम लीव्स, ताल पत्र उठाया करते थे। और इस प्रकार से फिर दीक्षित शिष्य होकर के उन्होंने सेवा प्रारंभ करी अपने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। तो इसमें एक अद्भुत लीला आती जब वो सेवा कर रहे थे, आप सोचकर देखिए, रूप सनातन के सोने के बाद वो सोते थे, रूप सनातन के उठने से पहले वो उठ जाते थे, और राधा दामोदर की सेवा भी कर रहे हैं, यानी विग्रह की सेवा के लिए भोग बनाना, अन्य कार्य भी है, मसाज करना, वस्त्र पहनना, विग्रह सेवा भी है, रूप सनातन की सेवा भी है,
रात दिन फिजिकल लेबर भी है और स्लीपिंग कुछ है नहीं उनकी। तो एकदम जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज्यादा वीक लगते थे देखने में। इतने वीक होने के बाद एक दिन क्या हो गया, वृंदावन में एक वल्लभ संप्रदाय के एक आचार्य आए थे जिनका नाम था रूप नारायण गोस्वामी, रूप नारायण सरस्वती भी कहते हैं, रूप नारायण गोस्वामी भी कहते हैं। तो वो दिग्विजय थे, दिग यानी कि दिशाएं, उन सभी दिशाओं को विजय प्राप्त करी थी। और वो घूमते घूमते अपनी जय पताका लहराते लहराते पहुंच गए वृंदावन, रूप सनातन से मिले। और रूप गोस्वामी ने उनको उसी समय भक्ति रसामृत सिंधु चल रहा था, राइटिंग चल रही थी, तो उन्होंने अपना भक्ति रसामृत सिंधु क्या ज्ञान है, भक्ति रसामृत सिंधु वही ज्ञान है जो रूप गोस्वामी को चेतन महाप्रभु ने प्रयागराज में जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान सारा का सारा राइटिंग्स में लिख रहे थे। और उन्होंने देखा कि उसके अंदर कुछ त्रुटियां हैं। तो जब त्रुटि रूप नारायण ने निकाली और उन्होंने कहा कि क्या आप इस पर कोई तर्क वितर्क करना चाहेंगे, तो रूप सनातन ने कहा नहीं नहीं आप वरिष्ठ हैं, आप दिग्विजयी हैं, हम लोग तो साधारण जीव हैं, हम तो चेतन महाप्रभु की कृपा पात्र हैं, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, हम कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहते, आप जो कह रहे हैं हम इसमें त्रुटियों को संभालने की कोशिश करेंगे। और ऐसे कह के बिना डिबेट के चुप हो गए। लेकिन जो जीव गोस्वामी थे उन्होंने कहा कि भाई जब गुरु की बेइज्जती हो या फिर भगवान की बेइज्जती हो तो ऐसी अवस्था में हमें अपने क्रोध का इस्तेमाल करना चाहिए, अहंकार का इस्तेमाल। जैसे हनुमान जी का उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि जब हनुमान गए लंका में और वहां पहुंचे और जब रावण ने राम के खिलाफ बोला तब हनुमान जी को क्रोध आया, वरना उससे पहले वो वानर बोल रहा था, मजाक उड़ा रहा था, तब तक हंस रहे थे हनुमान, मुस्कुरा रहे थे, बड़ा ही आनंद ले रहे थे। लेकिन जिस पल ये बोला तेरा राम कर ही क्या सकता है, इतना क्रोध आया कि पूरी अग्नि में पूरा जला के राख कर दिया लंका, और बोला कि देखो राम का एक वानर अगर ये कर सकता है, अगर राम आ गए तो क्या कर सकते हैं रावण, आप सोच लो कम से कम। तो इस तरह से हर प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने क्रोध का इस्तेमाल प्रभु की सेवा में किया जा सकता है। तो जीव गोस्वामी पाद ने यमुना के किनारे रूप नारायण सरस्वती स्नान करने गए थे, पीछे पीछे जीव गोस्वामी को बड़ा क्रोध आ रहा था कि मेरे रूप सनातन ने तो जवाब नहीं दिया, वो पहुंच गए। और उन्होंने वहां पर इस विषय पर चर्चा करना प्रारंभ किया कि आपने मुक्ति और भक्ति के बारे में जो वर्णन किया है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और मुक्ति निकृष्ट है, तो मुक्ति को आपने निकृष्ट क्यों बताया है। तो इस चर्चा करने के कारण मुक्ति को डाकिनी राक्षसिनी की तरह बताया है। उन्होंने कैसे हजारों लोग हैं जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, शास्त्रीय मुक्ति, सारूप मुक्ति, सायुज मुक्ति और सालोक की मुक्ति, और भगवान के स्वरूप जैसा प्राप्त कर लेना, इस मुक्ति में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन रूप गोस्वामी ने कहा कि जो भक्त होता है वो मुक्ति को तो चाहता ही नहीं, क्योंकि वो रस स्वादन चाहता है, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करना चाहता है, भगवान के साथ अपना अंतरंग संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए जीवन में तो मुक्ति तो राक्षस नहीं है। वृंदावन में कहते हैं मुक्ति तो नौन से खारी लागे रे। तो हम लोग वृंदावन के, मतलब हमारा जन्म वृंदावन मथुरा से है, तो हमारे घर में ऐसे बोला जाता था बचपन में, वृंदावन के भक्त बोलते हैं मुक्ति तो नौन सी खारी, नौन यानी नमक जैसी खारी है, मुक्ति की तो आवश्यकता ही नहीं है, मुक्ति तो जिस पल हरिकृष्ण महामंत्र की माला जपी, पहले दिन माला खरीदी और सोचा ही था मैं चैंटिंग करूंगा मुक्ति, तो उस व्यक्ति के घर पे दासी बनकर खड़ी हो जाती है। तो क्या हम 16 माला का जप मुक्ति के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या पाप रहित होने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। हम तो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण लीलाओं में भाग लेने के लिए, कृष्ण से अपने पुनः संबंध को स्थापित करने के लिए जप कर रहे हैं, काश कृष्ण हमसे पुनः प्रेम कर। तो इसलिए है ये बात, संबंध के अंदर मिठास को लाने के लिए, संबंध को वापस भगवान से जोड़ लेने के लिए हम हरि नाम ले रहे हैं, हम पाप मुक्त या मुक्ति के लिए नहीं कर रहे। ऐसी कई चर्चाएं रूप नारायण सरस्वती और जीव गोस्वामी के बीच लगभग 7 दिनों तक चलती रही, 7 days डिबेट, 7 दिनों का डिबेट चला। और 7 दिनों बाद आकर के जीव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और एक पर्चे पर रूप नारायण ने लिखा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने रूप गोस्वामी जैसे और सनातन गोस्वामी जैसे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अग्रगण्य आचार्यों को त्रुटि निकाली, यानी मुझसे वैष्णव अपराध हुआ है, इसके लिए
मैं मुंह भी नहीं दिखाना चाहता, मुझे क्षमा कर दीजिए। जीव गोस्वामी ने लाकर वो पर्चा दिखाया, रूप गोस्वामी को कहा, देखिए गुरु जी, आई डिड इट फॉर यू, आपके लिए मैं गया और मैंने जाकर के अपने क्रोध से, अपने ज्ञान से उनको हरा दिया। अब उन्हें लगा था जैसे वो पिक्चर में था ना शोले में, सरदार बहुत खुश होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया। रूप गोस्वामी को बहुत क्रोध आया। रूप गोस्वामी ने कहा, जीव तुमने ये क्या किया, तुम क्यों गए उससे बहस करने के लिए? एक वैष्णव का गुण है, वैष्णव कभी जस्टिफिकेशंस नहीं करता है, वैष्णव के दोष दृष्टि दिखाने पर भी वो हर चीज को स्वीकार करता है। तुम क्यों गए थे, क्यों तुमने जस्टिफिकेशन दिया, क्यों तुमने बहस करी उसके साथ में? तुमको क्रोध आया, क्या तुमको क्रोध पर क्रोध नहीं आया? ये बात सुनकर तो जीव गोस्वामी एकदम ऐसे हेड बैंग हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो सोच रहा था तारीफ मिलेगी, यहां तो डांट पड़ गई। और सच्चाई है कि जहां डांट पड़ती है वहीं पर सच में गुरु की कृपा होती है, जहां डांट नहीं है वहां गुरु की कृपा नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, लाले न भाव दोष, ताड़े न भाव गुण। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, जब डिवोटी में और टीचर में संबंध होता है, एक भक्त में, शिष्य में और गुरु में, तो वो डांट लगाते हैं अपना समझ करके। ताड़े न भाव गुण, ये गुण है ताड़ना करना, डांट लगाना। लालेन भाव दोष, लाल प्यार से पालना पोसना, सब कुछ तारीफ करना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस तरह से ये दोष आता है भक्त में, और भक्त सोचता है कि मैं सही हूं लेकिन वो गलत होता है। तो रूप गोस्वामी ने कहा, तुम्हें क्रोध आया, क्रोध पर क्रोध नहीं आया, तुम वृंदावन रहने लायक नहीं हो जीव गोस्वामी, तुम अभी तुरंत वृंदावन को त्याग करके चले जाओ यहां से। अब सोचिए, सारी की सारी लाइफ जिसके लिए समर्पित करी हो, वो व्यक्ति कह दे तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, नजरों से दूर हो जाओ, कैसा बीता होगा जीव गोस्वामी के हृदय में? जीव गोस्वामी का मन टूट गया, मैं तो सेवा के लिए आया था, रोने लगे, पैर पकड़ लिए। रूप गोस्वामी ने कुछ ना सुना, उन्होंने कहा, देखो बहुत हो गया, मैं एक ऐसे व्यक्ति को नहीं रख सकता हूं जो अपने ज्ञान के अहंकार में है कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञानी की जरूरत नहीं है, मुझे भक्त की जरूरत है, तुम क्यों गए डिबेट करने के लिए? अरे कहा वो गलत था, जो भी गलत हो सही हो, हम यहाँ चेतन महाप्रभु की सेवा करने आए हैं, हम बहस करने आए लोगों से। तो हम भी कई बार देखते हैं डिवोटी सर्कल में, डिवोटी बहस करते हैं अन्य अन्य लोगों से और अपना भजन खराब करते हैं। हम किसी के ऊपर सोचे मैं इसको जला के राख कर दूंगा, उसको जला के राख करने के लिए पहला कोयला मैं खुद अपने हाथ में रखूंगा, तब किसी के ऊपर कोयला फेंकूंगा, वो बाद में जलेगा, पहले मैं खुद जल जाऊं, इससे पहले मैं किसी को हराने का भाव लेके आऊं, मैं खुद हारा हुआ हूं। तो हाँ, कोई प्रेम से सीखना चाहे, इंक्लाइंड हो, उसको सिखा सकते हैं, लेकिन कोई इंक्लाइंड डिवोटी ना हो, कोई सीखना ना चाहे, उसको जबरदस्ती करके सिखाना, इससे हमारा मन विचलित होता है। रूप गोस्वामी ने उनको निकाल दिया, चले गए। कहाँ गए? आप वृंदावन से आप जाएं, अगर भांडेर वन के आगे भद्रा वन होते हुए, तो एक जगह है जिसका नाम है चीरघाट, नंद घाट, नंद घाट। कुछ लोग तो कहते हैं चीरघाट वृंदावन के अंदर ही है, अपनी यमुना के किनारे, पर ये वाला चीरघाट ओरिजिनल चीरघाट नहीं, ओरिजिनल चीरघाट है वृंदावन से जब आप भांडेर वन को क्रॉस करके, भद्रा वन को क्रॉस करके और आगे जाएं, तो वहां पर एक घाट है नंद घाट। उसमें नंद घाट पर नंद बाबा को पकड़ लिया था वरुण ने एक बार, और भगवान ने उनको मुक्त कराया था। तो नंद घाट तकरीबन दूरी पर है, जैसे अगर यमुना से जाए तो 20-25 मिनट लगेंगे उस पार यमुना के। तो नंद घाट के किनारे ही इन्होंने एक मगरमच्छ का एक गड्ढा, यानी मगरमच्छ होते हैं वो दलदल के किनारे अपने एक स्थान बना लेते हैं। तो मगरमच्छ के गड्ढे में गुफा गुफा बनी जिसमें मगरमच्छ रहते, पानी से थोड़ा दूर, थोड़ा पानी में रहते, थोड़ा पानी से दूर दलदल में रहते। मगरमच्छ के बनाए हुए गड्ढों को गुफाएं कहते हैं। और नंद घाट के किनारे आज भी पानी काफी कीचड़ वाला पानी है यमुना जी का, तो वहां दलदल है मतलब, तो वहां लेकिन फिर भी भक्त स्नान करते हैं, उसकी मिट्टी लगाते कि जीव गोस्वामी पाद यहाँ रहते थे तो हम स्नान करेंगे। तो मैंने भी एक बार स्नान किया वहां पर, बहुत मतलब पानी बहुत मतलब ऐसा नहीं वृंदावन जैसा पानी नहीं है, लेकिन बड़ा कीचड़ है, लेकिन फिर भी क्योंकि जीव गोस्वामी पाद रहते थे तो भक्त जाते हैं नंद घाट पर। जीव गोस्वामी वहां रह रहे थे, काफी समय बीत गया, एक वर्ष करीब निकल गया, देखा कि भाई सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कह रहे हैं, भाई कहाँ गए जीव गोस्वामी, क्या कह दिया तुमने उनको? रूप गोस्वामी ने कहा, देखो उपदेशामृत ग्रंथ का पहला ही श्लोक है कि जिस व्यक्ति ने अपने 6 इंद्रियों को वश में नहीं किया, कहते ना
वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपष्ट वेगम। जिस व्यक्ति ने इन छह वेगों को वश में नहीं किया, सबसे पहला ही है वाचो वेगम, कुछ भी बोल देना, ये कोई भक्त है कुछ भी बोल देना। और फिर आदमी बोलता है बाद में, प्रभु जी गलती हो गई, हमने कुछ गलत कहा हो तो हमें क्षमा करना। अरे तुम गलत कहते क्यों जो क्षमा मांगनी पड़े? कहने के बाद सोचने वाला मूर्ख होता है, कहने से पहले सोचने वाला समझदार होता है। ये डिफरेंस है समझदार और मूर्ख में। कहने के बाद सोचता है अरे हमने सही कहा गलत कहा, ये मूर्ख है। कहने से पहले सोचता है क्या कहूं या ना कहूं, शास्त्रिक है या नहीं है, वो समझदार। तो उन्होंने कहा वाचो वेगम पहला ही है, वृंदावन में रहना है तो वाचो वेगम, वेग यानी कि अपने इस प्रबल वेग पर बोलने की जो इच्छा है ना, कटर पटर चटर पटर बोलते रहना हर टाइम, ये जो वेग है इसको वश में करो। तुम बोल रहे हो कुछ भी बोल रहे हो जी। तो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा देखो मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं मानता हूं तुमने ग्रंथ अधिक लिख रहे हो, लेकिन रूप एक बात समझो, उसने जो सेवा गुरु की सेवा करी है ना, तुम ये सिद्धांत क्यों भूल गए? तीन सिद्धांत सनातन गोस्वामी पाद ने कहे। पहला कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर कृपा करना, जीव जया, ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत तीन सिद्धांतों पर चलता है, नाम है रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। ये तीन सिद्धांत गौड़ीय वैष्णव मुख्य सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत पकड़े तो हम गौड़ीय वैष्णव है। तो उसमें पहला है नाम रुचि, भगवान के नाम में रुचि होना, दूसरा है जीव दया, जीवों पर दया करना, एंड तीसरा है वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा। तो तुम जीव दया के सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हो रूप गोस्वामी, और तुम्हारे ही शिष्य जो इतना सुंदर जिसका नाम ही जीव है, तो क्या तुम जीव दया जीव पर दया नहीं करोगे? अपने जीव गोस्वामी पर दया नहीं करोगे? रूप सनातन ने ऐसे पुट किया, उस प्रेजेंट किया। तब ये पॉइंट उनको लगा, रूप गोस्वामी को लगा हाँ ये बात तो ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे, चाहिए आप ही कुछ करिए। तो उस समय आप देखिए अपने गुरु के प्रति अपराध करने की, लोग होते हैं ना गुरु जी अपराध तो नहीं हो गया, प्रभु जी कुछ अपराध हो गया क्षमा कर देना, प्रभु जी सॉरी हमसे कुछ हो गया हो, फिर मटर पनीर खा रहे होते हैं, मस्त सो रहे होते हैं, बस बोलने के लिए बोल रहे होते हैं, अपराध भी कर रहे होते हैं और बोलने के लिए क्षमा मांग रहे होते हैं, फॉरगिव कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, फिर खा रहे पी रहे मस्त होते हैं। लेकिन जो रियल डिवोटीज होते हैं पहले वो करते नहीं है, और कर देते हैं उसके बाद अगर उनको पता चल जाए कुछ गलती हो गई, इतना पश्चाताप करते, खाना पीना सब छूट जाता है। जीव गोस्वामी सिर्फ गेहूं को, जो आटा मिलता है गेहूं का पिसा हुआ, उस आटे के अंदर यमुना का जल मिलाते थे और उसकी लेई बन जाती है ना, जैसे आटा जो गूंदते भी नहीं थे, लेई जो होती है पेपर चिपकाने के काम आती है, ऐसी लेई खा करके अपना भजन करते एक वर्ष तक, सोचिए। और सारी लेई जो थी आटा, अब अगर सही से रोटी ना पकी हो तो आदमी कहता है पेट दर्द हो जाएगा, जो कच्चा आटा खा रहा हो एक साल तक वो कैसा आदमी होगा, उसके पेट में इंटेस्टाइन का क्या हाल हो गया होगा, सारी इंटेस्टाइन चिपक गई थी, पूरा शरीर जर्जर हो गया, सूख गया था। तो सनातन गोस्वामी गए, पता किया कहाँ है, पता चला नंद घाट में मगरमच्छ की गुफा में बैठे हुए वहां भजन कर, और रो रहे, रोज रोते हैं कि रूप गोस्वामी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे गुरु ने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ लोग बड़े खुश होते हैं, गुरु रिजेक्ट कर दे, बोले कोई बात नहीं हम खुद ही गुरु बन जाएंगे, रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, सिद्धांत बलिया जीव ना करे आलस, शास्त्र कहते सिद्धांत के बिना जीवन बिल्कुल एकदम यूजलेस है। भले कितना सुंदर तिलक लगाए, कितना धोती कुर्ता पहने, कितना हम सुंदर कंठी जपमाला मोटी माला कुछ भी ले लें, लेकिन अगर वैष्णव जन गुरुजनों के प्रति प्रेम नहीं प्राप्त कर पाए तो ये जीवन यूजलेस है। वो वैष्णव दिखावे का वैष्णव है, कलीर चेला, भक्ति विनोद ठाकुर कहते कलयुग का चेला है। लाए सनातन गोस्वामी ने कहा रूप तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये बात सुनकर फूट फूट के रोने लग गए, क्या सच में मुझे स्वीकार करेंगे, मेरा पुनः वृंदावन वापसी होगी कहाँ? सनातन लेकर गए और ले जाकर रूप गोस्वामी को दिया। रूप गोस्वामी रो रहे हैं उनको देख करके, और वो भी रो रहे हैं अपने गुरु को देखकर। दोनों ने आलिंगन किया और कहा जी मुझे माफ करना, मैंने तुम पर अपने कटाक्ष अपने क्रोध प्रहार किया, लेकिन मैं शिक्षा देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आने वाले समाज में शिक्षा गोस्वामी शिक्षा परंपरा दूंगा। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, आज भी हम रूपानुग कहलाते हैं, रूपानुग कहलाते हैं क्योंकि रूप गोस्वामी ने शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कि अपने वाचो वेगम होना चाहिए, किसी से जस्टिफिकेशन कोई बोले बहसबाजी नहीं होनी चाहिए, लाइफ बड़ी सिंपल होनी चाहिए, त्रिनाद अपि शुनिचे, इनको बोलना नहीं है रोज मंगला आरती में, उसको पालन भी करना है।
ये सब चीजों अगर रूप गोस्वामी बोले मैं वृंदावन में रहने का स्टैंडर्ड नहीं बनाता तो हर कोई वृंदावन आता, बाके बिहारी लाल की जय करता, लस्सी पीता, मजे से वापस चला जाता और बोलता यही तो है वृंदावन जाना। लेकिन वृंदावन में एंटर करना, प्रभुपाद लिखते हैं वृंदावन इज अ प्लेस फॉर परमहंसा डिवोटीज, परमहंस स्थिति में जो है वो वृंदावन भाव को देख सकते हैं, हर कोई व्यक्ति वृंदावन नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से कोई या तो कोई सेवा हो तब व्यक्ति वृंदावन में रहे कि मेरी कोई सर्विस है मेरे गुरु के द्वारा दी गई तब वृंदावन रह सकता है, या फिर वृंदावन अपनी इच्छा से जा रहा है तो उसके अंदर परमहंस स्थिति का भाव हो, उसमें वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम वेग वश में किए हो तब वृंदावन जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज समझाई और फिर पुनः उनकी सर्विसेज प्रारंभ हुई। तो ये एक जीव गोस्वामी बैनिशमेंट करके पास टाइम है, बहुत सुंदर पास टाइम है। और फिर इसमें कहते हैं कि जीव गोस्वामी के बारे में कुछ लोग कहते हैं जीव गोस्वामी पाद को, क्योंकि जीव गोस्वामी इंस्टीट्यूट भी बहुत हैं तो कुछ लोग उनको स्वर की स्वकीय रस से प्रचार करते हैं और कुछ लोग उनको परकीय रस का आचार बताते हैं। पर देखा जाए तो वो परकीय रस के ही आचार है। परकीय रस यानी कि द मूड ऑफ सेपरेशन, राधा और कृष्ण के सेपरेशन जो है, परकीय रस ते व्रजते प्रचार, व्रज में तो प्रचार परकीय भाव का ही है लेकिन ये स्वकीय भाव है कृष्ण और रुक्मणी कृष्ण सत्य भामा, इस भाव को जीव गोस्वामी नहीं प्रमोट किया। लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो स्वकीय रस के आचार है, बट ओरिजिनली जीव गोस्वामी परकीय रस के आचार है। और फिर जीव गोस्वामी पाद ने अपने आने वाले समय में श्रीनिवास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर जो कि लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे परंतु शिक्षा गुरु सबके यही है, श्यामानंद पंडित जिन्होंने स्वयं श्रीमती राधारानी से श्यामानंदी तिलक प्राप्त किया उनकी पाजेब से, वो श्यामानंद प्रभु के शिक्षा गुरु भी जीव गोस्वामी। नरोत्तम दास ठाकुर जो कि राधा गोकुलानंद मंदिर में आप उनके विग्रह देखते हैं लोकनाथ स्वामी महाराज के और उनकी समाधि नरोत्तम दास ठाकुर कृष्णचंद्र ठाकुर, ये भी आचार्य जो थे इनके शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी। रूप सनातन के चले जाने के बाद में जब रूप सनातन गोस्वामी नित्य लीला में प्रवेश कर गए तो व्रज के आचार्य के रूप में विश्व व्रज आचार्य, इनको गौड़िया संप्रदाय आचार्य ऐसे कह सकते हैं, गौड़िया संप्रदाय आचार्य एक ही है जीव गोस्वामी। तो वृंदावन में जो भी भक्त नवदीप से आया करते थे उनकी देखिए कैसी सेवा करते, इतना ज्ञानी व्यक्ति इतना एसोटेरिक एग्जॉल्टेड वैष्णवा वेलकम करते हैं, लोगों के पांव प्रक्षालन करते हैं जो नवदीप से वृंदावन आते हैं। हर वैष्णव जैसे होता है ना, हमारा कोई डिवोटी हो जैसे हमारी श्री नारायणी माता जी वृंदावन गुरुकुल में है तो मैं फोन करूं माता जी मैं वृंदावन आ रहा था तो माता जी कहेंगे आपके लिए हम अरेंजमेंट कर देंगे स्टेइंग का, आप जी इधर रहिए। तो लोग इन्फॉर्म करते थे नवदीप से चिट्ठी लिख करके कि हम आ रहे हैं, 15 डिवोटी लेके, 5 डिवोटी लेकर, 4 डिवोटी लेकर, उनके स्टेइंग की, कहाँ रहेंगे, प्रसाद कब मिलेगा, ये जीव गोस्वामी खुद स्वयं और सबको रिसीव करते थे, पद प्रात प्रक्षालन करेंगे, चरण धोएंगे और निवास कहाँ होगा उनका, कैसे प्रसाद पाएंगे, और ब्रज मंडल परिक्रमा में स्वयं लेकर के जाते थे, चलिए आज मैं आपको महावन लेके चलता हूँ, आज बहुलावन लेके चलूंगा, आज गोवर्धन परिक्रमा में जाएंगे। तो जीव गोस्वामी उनको मार्गदर्शन भी करते थे कहाँ चले, उनका शेड्यूल भी बनाते थे। सोचिए कितनी सारी मैनेजमेंट सर्विसेज भी कर रहे हैं, राइटिंग्स भी कर रहे हैं, गौड़ीय संप्रदाय आचार भी हैं, भागवत कक्षा भी करते हैं, भागवतम क्लासेस भी देते हैं, चैंटिंग भी करते हैं, अपनी साधना भी करते हैं और ताल पत्रों पर स्थायी रूप से अपने लिटरेचर लिखते रहते हैं। बैलगाड़ियों में भर भर के नवदीप बंगाल वेस्ट बंगाल भेजा कर रहे हैं, शास्त्र जा रहे हैं इतनी दूर दूर और पुनः यहाँ पर उनकी कॉपीज भी तैयार करते जा रहे हैं। और उनके जो श्लोक होते थे बताते हैं, श्लोक छंद काव्य ये सभी मणि स्वरूप में है, मतलब एक एक श्लोक जीव गोस्वामी के जो कमेंट्रीज हैं, एक एक वर्ड अगर ध्यान से, कितना कुछ पढ़ने के लिए। कई बार लोग पूछते हैं मैंने भगवत गीता पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, आप मैं क्या पढ़ू। तो श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद भागवतम के फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स के पर्पट में लिखते हैं द सीरियस डिवोटीज शुड रीड द लिटरेचर ऑफ गोस्वामी। तो हम फिर जीव गोस्वामी के लिटरेचर को पढ़ सकते हैं अगर हमारे ये तीन कंसेप्ट क्लियर हैं, भगवद गीता श्रीमद भागवतम हमने 12 कैंटोस पढ़ लिए हैं,
चैतन्य चेतामृत की तीनों लीलाएं, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला हो गया पूर्ण। अब हमारे पास टाइम है, अब हम कह रहे हैं अब हम कुछ और पढ़ना चाहते हैं, देन वी कैन गो फॉर जीव गोस्वामी पाद, उनके गोपाल चंपू शॉर्ट संदर्भ हम इनको पढ़ सकते हैं, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद अंडर द गाइडेंस ऑफ सम सीनियर वैष्णवाज, जैसे हमारा इस्कॉन का भक्ति अपना महाविद्यालय भक्तिवेद महाविद्यालय है, तो उस उनके गाइडेंस में कोर्सेज कर सकते हैं, या गुरुकुल की गाइडेंस में जो कोर्सेज हो कैसे भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद अद्भुत कार्य किए ग्रंथ बनाने में, ग्रंथ भंडार में, और एक लीला में बता करके फिर अंत करूंगा आपके, आज के ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने सूक्ष्म रूप में वर्णन किया है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर में रहते थे, राधा दामोदर के कक्ष में हम जाते हैं, भक्त प्रभुपाद जी को देखते हैं, प्रभुपाद जी उस छोटे से कक्ष में 6 वर्षों तक एक ही चीज स्मरण कर रहे थे कि किस प्रकार जीव गोस्वामी ने 25 ग्रंथ दिए और 25 लाख पद लिखे, और उन्हीं का स्मरण करके, उन्हीं से कृपा मांग करके जीव गोस्वामी से श्रील प्रभुपाद जी उस छोटे कक्ष में श्रीमद भागवतम के प्रथम स्कंद को, वो आज तो 1 वॉल्यूम में आता है, उस समय 3 वॉल्यूम में आता था, 1, 2, 3 वॉल्यूम्स में फर्स्ट कैंटो, सारी प्रेरणा जीव गोस्वामी से प्राप्त की, और विदेश जाकर प्रचार करने की प्रेरणा रूप गोस्वामी, तो दोनों की समाधि राधा दामोदर मंदिर में हमको मिलती है। तो रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी स्वप्न में आकर के कई बार श्रील प्रभुपाद जी से चर्चा किए कि किस प्रकार से स्वामी जी आपको डरना नहीं है, आपको प्रचार करना है, और आगे आने वाले टाइम में आप बहुत सुंदर प्रचार करेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर जीव गोस्वामी पाद के इस राधा दामोदर मंदिर जाए, परिक्रमा करे, वहां बैठे चैंटिंग करे, और उनसे कृपा मांगे कि मैं शास्त्र समझना चाहता हूँ, आपने तो लिखने का काम कर दिया है, आपकी कृपा के बिना मैं समझूंगा कैसे, तो समझने का काम श्रीमद भागवत समझना है, गीता समझनी है, चैतन्य चरित्र समझना है, आप मुझ पर कृपा करें, तो रूप गोस्वामी से हम कृपा मांगते हैं भक्त लोग, लेकिन हमें जीव गोस्वामी से भी विशेष कृपा मांगनी चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी मांगा क्या करते थे। और एक बार मीराबाई जो थी वो वृंदावन में आई, और वृंदावन में आना चाहती थी, वृंदावन में प्रवेश करना चाहती थी, और जब वो राजस्थान से आई, चैंटिंग करती, भजन करती, जिनके परिवार का उन्होंने त्याग कर दिया था, क्योंकि परिवार उनको जहर पिला दिया था चेक करने के लिए कि देखते हैं तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाता है। हंसते हंसते विष का प्याला पी गई रे मीरा, हंसते हंसते विष भी पी गई थी कि देखते मेरे कृष्ण भी रक्षा करेंगे, और क्या पाया कि उनके परिवार ने उनको विष पिलाया, विष पीने के बाद कृष्ण ने उनकी रक्षा करी, और उन्होंने शर्त पर विष पिया था कि विष पीने के बाद अगर मैं बच गई तो मैं केवल वृंदावन जाऊंगी और कहीं, और उनके परिवार ने कहा था ठीक है, और विष पी के जब बच गई तो वृंदावन आई, वृंदावन आई तो वृंदावन में उस समय जीव गोस्वामी पाद गौड़ीय संप्रदाय आचार्य थी, मीराबाई ने कहा मैं जीव गोस्वामी से मिलना चाहती, जीव गोस्वामी पाद को जब पता चला उनके शिष्यों के द्वारा कि मीराबाई नाम की स्त्री आई है और वो एक बड़ी सुंदर वैष्णवी है, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने भजन पद लिखे हैं भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिल सकता हूँ, मुझे चैतन्य महाप्रभु मेरे रूप गोस्वामी का आदेश है कि वृंदावन में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, आप सोचिए स्त्री का प्रवेश वर्जित है, ऐसी बात उन्होंने जीव गोस्वामी ने कही। तो जब ये बात मीराबाई जी को पता चली तो उन्होंने बोला अच्छा मुझे नहीं पता था कि वृंदावन में एक और पुरुष रहता है, यानी कृष्ण तो पुरुष है ही है, पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, एक और पुरुष यानी जीव गोस्वामी अपने आप को पुरुष मानते हैं, एक और पुरुष रहता है। ये मैं आकर उत्तर दिया तो जीव गोस्वामी बात पूरा एकदम इससे हो गया, अरे ये तो बड़ी अच्छी वैष्णवी है जो ये जानती है कि केवल कृष्ण ही पुरुष है, और अंदर से तो जीव गोस्वामी विलास मंजरी है ही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है उनको बुलाइए उनसे चर्चा। अब इस पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जीव गोस्वामी पाद जो थे उनके पास मीराबाई की तरह भक्ति का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो गौड़िया वैष्णव के संप्रदाय आचार्य हैं, क्या वो मीराबाई से श्रेष्ठ नहीं है? बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उन्होंने फिर ऐसा वाक्य क्यों कहा? तो यहां पर सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि गुरु की सेवा जो है वो फिलॉसफी से भी ऊपर की सेवा, क्योंकि तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको रूप गोस्वामी सनातन ने कहा था स्त्री से दूर रहो, तो उन्होंने अपने सिद्धांतिक ज्ञान को गुरु की सेवा के बीच में, गुरु के आदेश के बीच में नहीं आने दिया, क्योंकि विलास मंजरी है, शास्त्र जानते हैं, केवल
इकला प्रभु कृष्ण आर्य सब भरत सब उनके दास है, केवल प्रभु कृष्ण है, एक ही पुरुष है, बाकी सब भोक्ता, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, कृष्ण ही भोक्ता है, हम सब भोग्या है, स्त्री स्वरूपा है, कोई पुरुष रूप में कोई स्त्री रूप में, लेकिन अंदर से तो हम सब भोग्या है, प्रकृति है, ये शास्त्र जानते थे वो, जो षट संदर्भ लिख रहे हैं वो नहीं जानते थे, लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्त्री का प्रवेश स्त्री से दूर रहो, तो जब उन्होंने देख लिया कि स्त्री नहीं है ये, भक्त स्वरूप में प्रवेश कर रही है, तो फिर उन्होंने उनसे चर्चा करी, कई सारी चर्चाएं हुई। तो कभी भी हमें इस फर्स्ट टाइम को सुनकर ये नहीं सोचना चाहिए कि मीराबाई कितनी एग्जॉल्टेड थी, जीव गोस्वामी को उन्होंने लथेड़ दिया, उनको हरा दिया, डिबेट में हरा दिया, ऐसा नहीं है। जीव गोस्वामी बहुत बहुत एग्जॉल्टेड थे, लेकिन उन्होंने अपनी संप्रदाय टीचिंग पहले प्रस्तुत करी बाद में, जिस प्रकार रूप गोस्वामी नहीं जानते थे कि जीव गोस्वामी ने सही किया है, लेकिन उन्होंने शिक्षा देने के लिए उनको एक वर्ष का उनको दूर रखा वृंदावन से, मथुरा भेज के नंद घाट में। तो ऐसे ही हमें इन आचार्यों की टीचिंग से, अपने जीवन में टीचिंग लेनी चाहिए। हम कई बार जीवन चरित्र पढ़ लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, फिर बोलते हैं ना ढाक के तीन पार घूम करके वहीं आ जाते हैं, खूब सुनते हैं गोस्वामियों के बारे में, खूब सुनते हैं शास्त्रों के बारे में, लेकिन जब आता है एप्लीकेशन तो बोलते हैं, वो कहते हैं ना काबा गया मदीना गया, खूब गया का, खूब गया का नहीं, काबा गया मदीना गया, बनने गया था काजी, वापिस जब आया तो वही पाजी का पाजी तो घूम फिर करके घूमता है इधर उधर कि शायद मैं शास्त्र सीखूंगा, ज्ञान लूंगा, लेकिन जब एप्लीकेशन की बात आती है तो फेल हो जाता है, फिर वहीं का वहीं आता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कुछ आचार करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते हैं, वो भजनानंदी होते हैं, कुछ प्रचार करते हैं लेकिन आचार नहीं करते हैं, वो गोष्ठानंदी होते हैं, लेकिन कुछ लोग आचार और प्रचार करते हैं वो सही मायने में गौड़ीय वैष्णव होते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव का मतलब है आचरण और प्रचार, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो सुबह के मंगल आरती से लेकर भागवतम कक्षा तक भजनानंदी होना चाहिए, अपने फोकस होना चाहिए शास्त्र में, आचार्यों में, और 9 बजे के बाद जब सेवा में निकले तो भजनानंदी की बजाय गोष्ठानंदी होना चाहिए, प्रचार। संध्या काल में जब पुनः अपने कक्ष में प्रवेश करें अपनी सर्विसेज से, अपनी फैमिली से, तो रात को 8 बजे 9 बजे कुछ 1 घंटे 2 घंटे के लिए फिर भजनानंदी होना चाहिए। तो इस तरह से भजन का आनंद लें और गोष्ठानंद, तो हम लोग दोनों है, भजनानंदी भी है गोष्ठानंदी भी है, आचरण भी करना चाहिए प्रचार भी करना चाहिए। तो यही शिक्षा हमें जीव गोस्वामी पाद देते हैं। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, माता जी कुछ समीक्षा कुछ ऐड करना चाहें तो। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने पूरा जीव गोस्वामी के बारे में डिटेल में बताया, और ऐसा मैंने किसी एक लेक्चर में सुना था कि मीराबाई ने लास्ट में जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी, ऐसा मैंने सुना था। और उसके बाद फिर जब मीराबाई हरिनाम करते हुए आगे गई तो उसके बाद किसी ने मीराबाई को देखा नहीं, तो ऐसा मैंने लास्ट में सुना था किसी महान अपने जो हमारे आचार्य लेक्चर्स देते हैं। तो ये थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आप लोगों ने आज आपने बहुत अच्छे से बताया। आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी आज बिल्कुल एप्लीकेशन समझाया हमारे को कि किस तरह से हमारी अपनी जीवन में कैसे उतारना चाहिए। तो एक मैसेज आ रहा है कि हाँ मतलब कि कोई भी डाउट नहीं है, अच्छा उनका एक डाउट है, सॉरी भावना जी अपना डाउट पूछना है तो आप लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभुजी, सबसे पहले तो प्रभुजी वेरी 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 थैंक यू सो मच, इट बिकम सो लाइव व्हेन वी हियर, मींस लिटरली वेरी वेरी थैंक यू प्रभुजी। प्रभुजी फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक यू आर सेइंग कि हमारी जो भी टीचिंग्स है कि हाउ वी कैन सीरियस टू आवर गुरुज इन डिवोशन एंड ऑल, लाइक जी गोस्वामी इज वेरी पर्टिकुलर विद द टीचिंग्स की उनको जो भी ऑर्डर दिया उनके गुरु ने रूप सनातन आचार्य जी ने, तो उन्होंने आगे टीचिंग्स देने के लिए ही इज वेरी पर्टिकुलर, सो हाउ वी कैन फॉलो दिस। माता जी का प्रश्न है कि जीव गोस्वामी पाद की आज शिक्षा में हमने पाया कि किस प्रकार से उन्होंने सारी टीचिंग्स को अप्लाई करा लाइफ में बड़ी सीरियसली सिंसियरली, तो हम कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है विच इज कॉल्ड एज चेक एंड बैलेंस।
चेकिन बैलेंस. चेकिन बैलेंस मींस कि वी शुड मेक वन चार्ट इन अवर डायरी और अपना कैलेंडर और व्हाइट बोर्ड कि हम डेली कुछ पढ़ते हैं कुछ सुनते हैं तो उसमें से हमको लिखना चाहिए कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई लर्न फ्रॉम टुडेज लेक्चर और टुडेज डिस्कॉर्स और टुडेज रीडिंग जो मैं अप्लाई करना चाहूंगा या चाहता हूँ. सो सबसे पहले तो पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहिए. जैसे आज हमने एक घंटे चर्चा किया जीव गोसाई पाद के जीवन चरित्र पर, तो मैंने कोई एक पॉइंट जो मेरे हृदय में पेनिट्रेट हुआ, वन पॉइंट. सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें सुनी भी हो सकती है, पहले सुनी होंगी, लेकिन कोई एक चीज जो आज भगवान कृष्ण मेरे द्वारा आपके तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो पॉइंट, एक पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद बोल्ड मार्क. एंड देन ट्राई टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट डे, अगले दिन उसको प्रयास करिए. अगले दिन नहीं हो पा रहा है तो दूसरी तीसरी, ऐसी परिस्थिति जरूर आएगी जब आप वो पॉइंट का अप्लाई करने का भगवान आपको मौका देंगे, कृष्ण देते हैं. और जब वो मौका मिले तब आप देखिए कि आप उसको अप्लाई कर पाए. अगर कर पाए तो फिर उसके आगे चेक मार्क करिए, यस आई कुड डू इट. अगर नहीं कर पाए तो लिखना चाहिए नो आई कैन नॉट डू इट एंड आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम अगेन. और फिर दूसरे समय का वेट. इस तरह से आप देखेंगे आपके खूब सारा एक चार्ट बन जाएगा कि मुझे ये अप्लाई करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, ये अप्लाई करना चाहिए. सो एक आपके पास जनरल गाइडलाइन होगी हाउ टू लीड अ लाइफ ऑफ अ वैष्णवी. तो वहां पर आपको जब एप्लीकेशन पॉइंट्स आएंगे तो आप फेल हो रहे हैं सक्सेस हो रहे हैं. दैट प्रोसीजर कॉल्ड एज चेक एंड बैलेंस. सो वी शुड कीप चेक एंड बैलेंस ऑफ अवर लाइफ. ये नहीं खाली हम कथा सुन ली, अच्छा लगा खाया पिया सो गए, फिर अच्छा लगा फिर तीन दिन पहले क्या सुना था वो भूल चुके हैं क्योंकि आज का लेक्चर वो अच्छा लग रहा है, पहले वाला तो याद नहीं है, फिर तो पॉइंट्स निकलते जाएंगे लाइफ में. सो हमारा माइंड रजिस्टर करता है, लेकिन माइंड रजिस्टरिंग से ज्यादा आज कलयुग के लोगों को नोट्स मेकिंग पर ज्यादा बिलीव करना चाहिए. तो नोट मेकिंग में एक तो होता है पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब ही कर दिया लेक्चर, वो उतना वो रखना है नोट्स बनाकर ताकि आगे हम लेक्चर दे सके. लेकिन उनमें से मेरे लिए मोस्ट एसोटेरिक पॉइंट, मोस्ट पेनिट्रेटिंग पॉइंट वो देखना चाहिए एप्लीकेशन में और फिर उसको अप्लाई करें एंड फिर बैलेंस चेक करते रहे. इस तरह से वी कैन अप्लाई. प्रोजेक्ट और प्रश्न आ रहा है ऋषि ओषा जी का. वो बोल रहे हैं कि जब कोई वैष्णव या भगवान की निंदा करे तो हमें उसका जवाब देना चाहिए अगर हमारे सक्षम है तो, या नहीं, और या फिर हमें बस वहां से निकल जाना चाहिए, थोड़ा हम्बल ह्यूमिलिटी रखना चाहिए, तो हम उनका जवाब दें या ना दें. देखिए कभी कभी कुछ ऐसे वैष्णव मिलेंगे जो उम्र में सीनियर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि इनिशिएशन में सीनियर होंगे, पर जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति इनिशिएशन में सीनियर हो या उम्र में सीनियर हो तो उसकी फिलॉसफी करेक्ट हो सकता है वो कोई ऐसी सेवा में थे जहां उन्होंने शास्त्र को ज्यादा श्रवण नहीं किया, ज्यादा शास्त्र अवलोकन नहीं किया है, तो हमें उनकी सीनियरिटी को सम्मान करना चाहिए, उनके उम्र को सम्मान करना चाहिए और बिना किसी वाद विवाद के वहां से चले जाना चाहिए. लेकिन अगर कोई नॉन वैष्णव है, नॉन डिवोटी है, लेकिन नॉन डिवोटी होने के बाद वो वैष्णवों का निंदा कर रहा है या भगवान की निंदा कर रहा है, तो अगर हम सक्षम है अपने शास्त्र ज्ञान से बिना लड़े हुए, ये नहीं होना चाहिए कि मारपीट हो गई एकदम हनुमान की तरह आग लगाने पर आ गए, किसी के घर में आग वाग लगा के आ गए मशाल लेके, ऐसा भी नहीं. लेकिन हाँ, मैं अपनी 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 वाचक शक्ति से, अपने प्रवचन की शक्ति से, अपने पॉइंट्स, अपने ज्ञान की शक्ति से मैं उस व्यक्ति को शांत कर सकता हूँ, उसके मनोभाव को मैं समझा सकता हूँ कि नो यू आर रॉन्ग एंड वैष्णवाज आर करेक्ट, कृष्णा इज करेक्ट, तो फिर हम बोल सकते हैं. लेकिन हम अगर इतनी शक्ति नहीं है, बात ऐसी बढ़ जाएगी कि आप ही अपना आपा खो बोलतेंगे कि आप वैष्णव थे, कि आप कौन थे, आप गालियां देने लग गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो फिर ऐसी जगह पर बोलने से बेहतर है कि आप क्षमा बोले, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर कभी और चर्चा करें. बिकॉज आप में इतना शक्ति नहीं है, प्रूव कर नहीं पाएंगे, सामने वाला आपको सुनेगा नहीं, बहस होकर रिश्ते खराब होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, बेटर टू इग्नोर एंड मूव आउट. लेकिन अगर आप सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो आपको विनम्रता के माध्यम से उनको शिक्षा देनी चाहिए. लेकिन अगर कोई सीनियर डिवोटी, सीनियर वैष्णव हो और वो आपको बहस कर रहे हो, नहीं नहीं आप गलत हैं, यहाँ हैं, और आपको लगे कि नहीं नहीं मैंने जो सीखा है या मैंने जो पढ़ा है अपने अपने काउंसलर, अपने टीचर, अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु से, ये सही है, तो फिर वहां पर बहस नहीं करनी चाहिए, वहां पर विनम्रता का सहारा लेके निकल जाना चाहिए. थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया हम सबको, और सभी भक्तों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आज अपनी इतनी डिटेल में हमारे को आज जीव गोस्वामी के बारे में बताया, और मैं आप सभी भक्तों की तरफ से प्रार्थना करूंगी, क्योंकि ये वैष्णव के सीरीज अभी आगे बहुत लंबी चलनी है,
ठीक है, अभी हम सिर्फ 6 गोस्वामी की लाइफ स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम चैतन्य चरितमृत में भी ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं इस सीरीज के थ्रू, तो आप प्लीज थोड़ा टाइम हमारे लिए और निकालिएगा और हमारे को उनके बारे में भी जरूर बताइएगा। थैंक यू श्री नारायणी माता जी जो है वो गुरुकुल में सेवा करती है और ये बहुत बड़ी कृपा है माता जी की कि माता जी जो है वो वृंदावन में इतने सुंदर भाव से सेवा कर रही हैं। तो हम लोग तो कभी कभी वृंदावन जाते हैं और लेकिन माता जी को वृंदावन वास मिल रहा है और वो वृंदावन में रह करके हमारे जैसे पतितों को सेवा में लगा रही हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप और आपकी टीम जो मुझे जैसे पतित लोगों को सेवा में लगा रहे हैं। हमसे त्रुटियाँ तो होती रहेंगी लेकिन आप हमें लगा के रखिएगा, फिजिकल रूप से भी ऑनलाइन रूप से भी, जब आप चाहेंगे वृंदावन में आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। हरे बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। और अपूर्णिता प्रभु, अगर आप इसको बंद लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दें। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे जी माता जी, बताएं।